वेलकम टू माई चैनल, मैं मोनिका मलिक। आज आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी और यमी होती है। चलिए मेरे किचन में चलते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस रेडी करेंगे। बेस में हमें ये सारी चीज़ें चाहिए जो मार्केट में भी मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिलती है। तो सबसे पहले हम बेस रेडी करेंगे। बेस रेडी करने के लिए हमें चाहिए ये मिल्क है जो हम लेंगे। हाफ गिलास मिल्क हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर मिल्क है। और CMC पाउडर, GMS पाउडर, कॉर्नफ्लावर तो हम घर में यूज़ करते ही हैं। लिक्विड ग्लूकोज, ये भी इजीली ऑनलाइन भी मिल जाता है और मार्केट में भी मिल जाता है। शुगर लेंगे हम 5 स्पून, ये वाला रेड वाला स्पून लेना है। 5 स्पून हम इसमें शुगर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मिल्क लेंगे हाफ़ गिलास। इसमें हम 1/4 रेड वाला, ये वाला जो स्पून है, CMC पाउडर डालेंगे। 1.5 स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 1.5 स्पून GMS पाउडर डालेंगे। 1/2 GMS पाउडर है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 5 स्पून हम इसमें शुगर चाहिए, ये रेड वाला स्पून हम 5 स्पून हम इसमें शुगर का यूज़ करेंगे। जो हमने गिलास में सारी चीज़ें डाली हैं उसको मिक्स कर लेंगे प्रॉपर ढंग से। अब हम गैस ऑन करेंगे और उसमें 1/2 kg फुल फैट का दूध डालेंगे। गैस को हमें हाई रखना है और एक उबाल आने तक इसको पकाना है। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। जो हमने गिलास में मिक्सचर अभी तैयार किया था, CMC पाउडर, कॉर्नफ्लावर और GMS पाउडर का, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। 5 स्पून शुगर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमें गैस को स्लो कर देना है और इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। बीच बीच में इसको हिलाते रहना है ये हमें, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली है वो सारी पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम लिक्विड ग्लूकोज इसमें डालेंगे 1.5 स्पून। ये मेडिकल शॉप पर भी मिल जाता है और जहाँ पर ये केक वगैरह का सामान मिलता है वहाँ पर भी मिल जाता है, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो 1.5 स्पून हमने इसमें लिक्विड ग्लूकोज डाल दिया है। अब हम इसको लगातार चलाएंगे ताकि ये जो ग्लूकोज हमने डाला है पूरी तरह से मिक्स हो जाए। इस टाइप से हमें चलाते रहना है। ये देखिए, गैस हमने ऑफ कर दी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे ताकि इस पर मलाई ना आए। इसमें 3-4 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, इस टाइप का लिक्विड हमारा रेडी हो गया है। ये बेस बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हमें इसको ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके
फ्रीज़र में रखेंगे जमने के लिए। पूरी तरह से ठंडा करना है, धीरे धीरे हम इसको हिलाते रहना है। अब हमने फ़ैन ऑन कर दिया है और फ़ैन के नीचे हम इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। मलाई बिल्कुल आने नहीं देनी है ऊपर। इस टाइप से हम इसको ठंडा करेंगे। तीन चार मिनट हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट बेस रेडी हुआ है। ये देखिए, ये जो बेस रेडी हुआ है, इसी से डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम हमारी बनती है। अगर ये सही बना है तो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। एक दूसरा बर्तन लेंगे और एक बड़ी छलनी में से इस बेस को हम छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह अगर हैं तो वो निकल जाएं। बिल्कुल एक स्मूथ बेस हमारा रेडी हो। ये देखिए, हम इसको पूरी तरह से छान लेंगे इसमें। ये बेस बनाकर हम फ्रीज़र में रख सकते हैं और काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होता, और इसी बेस को यूज़ करके डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम हम बना सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ बेस हमारा रेडी हुआ है। अब हम इसको कवर करेंगे क्लीन रैप से, ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए। आप चाहे तो एयर टाइट कंटेनर में भी इसको रख सकते हैं। ये सीज़र से थोड़ा कट करेंगे और इसको पूरी तरह से हम कवर कर लेंगे। इस टाइप से हमें इसे कवर करना है। अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। 5-6 घंटे के लिए हमें इसको फ्रीज़र में रखना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आइसक्रीम बना सकते हैं। ये 7 आवर्स हो चुके हैं, ये हमारा बिल्कुल बेस जम चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल रेडी है बेस। एक बड़े बर्तन में आइस क्यूब लेंगे, इस टाइप से लेनी है हमें काफ़ी सारी आइस क्यूब, और उस पर या बर्फ़ भी डाल सकते हैं कोई भी। इस टाइप से हम इस पर सारी बर्फ़ डालेंगे और एक बड़ा बाउल लेंगे बीट करने के लिए, वो इस पर बर्फ़ पर हम सेट कर लेंगे। अब हम व्हीप क्रीम डालेंगे। आप किसी भी कंपनी की व्हीप क्रीम ले सकते हैं। व्हीप क्रीम हमें 1 कप डालना है, बड़ा कप लेना है। अगर आप ज़्यादा डाल बना रहे हैं तो उसको डबल कर लेना। ये हम गोल्ड की व्हीप क्रीम ले रहे हैं। आप किसी भी कंपनी की इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्पून के हेल्प से इसको थोड़ा सा एक बार मिक्स कर लेंगे और हमें फ्रीज़र में रखनी है ये व्हीप क्रीम। जब हमें यूज़ करना हो उसे 10-15 मिनट पहले ही हमें निकालनी है, ज़्यादा देर पहले नहीं निकालनी। ये जो हमने बेस रेडी किया था आइसक्रीम का, 1 कप हम इसमें बेस डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ उसको डबल कर देना। तो ये हमने 1 कप बेस ले लिया है। स्पून की हेल्प से हम इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर ढंग से मिक्स कर लेंगे। इस टाइप से हम इसे मिक्स कर लेंगे एक बार, ताकि ये दोनों मिक्स हो जाएं और थोड़ा सा जो बेस है वो भी थोड़ा मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमने फ्रीज़र से अभी अभी निकाला है इसको। तो आप बनाने से पहले 10-15 मिनट पहले बेस को भी बाहर निकाल सकते हैं। इस टाइप से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक बीटर है, इजीली मार्केट में मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसी से हम इसे बीट करेंगे। अब हम स्लो स्पीड पर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बीट करना है, स्पीड हमें बीटर की स्लो रखनी है और एक ही डायरेक्शन में हमें बीट करना है। ये देखिए, इसका ये वॉल्यूम जो है बिल्कुल डबल हो गया है
और जैसे जैसे हम बीट करेंगे ये डबल से भी ट्रिपल होता चला जाएगा। अब हमें इसकी स्पीड मीडियम कर लेनी है। जैसे ही इसकी वॉल्यूम बढ़ने लगे तो उसकी स्पीड हम मीडियम कर लेंगे। और ज़्यादा देर अगर हमारी आइसक्रीम जो है हमें ज़्यादा बनानी है तो बीच में हम बीटर को एक बार बंद कर लेंगे, क्योंकि कई बार बीटर जो होता है गर्म हो जाता है ज़्यादा देर जब हम उसको चलाते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आप ध्यान में रखिए। ये देखिए हमारी जो वॉल्यूम है आइसक्रीम की डबल से भी ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे हम बीट कर रहे हैं ये काफ़ी बढ़ गई है। ये देखिए इस टाइप से हमें इसको बीट करना है, एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। ये आइसक्रीम हमारी बिल्कुल स्मूथ और फ्लफ़ी बनकर रेडी होती है, बिल्कुल मार्केट की जैसी बनती है, क्योंकि हमने इसमें GMS पाउडर डाला है। ये पाउडर जो है आइसक्रीम इम्प्रूवर होता है और जो आइसक्रीम की वॉल्यूम को बढ़ाता है। जो हमने इसमें CMC पाउडर डाला है ये आइसक्रीम को मेल्ट नहीं होने देता और बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी होती है। इस स्टेज तक हमें बीट करना है। ये गिराने से भी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब हमारा बीट हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसको बीट नहीं करना, नहीं तो आइसक्रीम का जो टेस्ट है अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है और मार्केट में भी ईजीली अवेलेबल है। ये हम 2 बड़े चम्मच इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे और स्ट्रॉबेरी एसेंस 1/2 स्पून इसमें डालेंगे और इसको बीटर की हेल्प से हम इसको स्लो स्पीड पर मिक्स कर लेंगे। स्पीड हमें स्लो ही रखनी है, फास्ट नहीं करनी, क्योंकि ये बीट हो चुका है, हमें सिर्फ इसमें मिक्स करना है। 1/2 कप स्ट्रॉबेरी लेंगे और उसका फ्रेश पेस्ट हम बना लेंगे मिक्सी में। आप चाहे तो बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। ये हमने मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया है फ्रेश स्ट्रॉबेरी का। 2 स्पून हम इसमें स्ट्रॉबेरी का पेस्ट डाल देंगे फ्रेश। आप चाहे तो बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं, बट बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। एक मेथड मैं आपको और बताती हूँ। गैस पर 2 स्पून चीनी जब मेल्ट हो जाए उसमें भी आप स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हैं और जब वो ठंडा हो जाए फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको स्लो स्पीड पर बीट कर लेंगे। ज़्यादा हमें इसको मिक्स नहीं करना है क्योंकि ये बीट हो चुका है। ये देखिए हमारा बिल्कुल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा हम इसको बीट नहीं करेंगे। कितना अच्छा इसका कलर आया है और बिल्कुल स्मूथ और फ्लफ़ी, बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी होगी। बस ये देखिए हमारी रेडी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसको बीट नहीं करेंगे। देखा कितना इजी था ना इसको बनाना। बिल्कुल स्मूथ बनी है और फ्लफ़ी बनी है और इसका साइज़ जो है बिल्कुल ट्रिपल हो गया है। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे, जमने के लिए रखेंगे। इसके लिए हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे। ये हमने इस टाइप का कंटेनर लिया है, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब हम सारी आइसक्रीम को इसमें शिफ्ट कर लेंगे। स्पून की हेल्प से नीचे से पूरा फिल कर लेंगे ताकि कोई स्पेस हमारा खाली ना बचे बीच में। और ये बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी होती है। सारी आइसक्रीम को हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है क्योंकि बच्चों की स्ट्रॉबेरी फेवरेट होती है और सबको पसंद आती है ये वाली आइसक्रीम। घर पर ही कितना इजी होता है ना घर पर भी आइसक्रीम बनाना। आप एक बार इसको ट्राई करना और एक बार जब आप ट्राई करेंगे तो आप बार बार घर पर आइसक्रीम बनाएंगे। अब हम इसको एक बार टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और इसके ऊपर एक हम डिज़ाइन रेडी करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी इसको जमा सकते हैं। ये मैंने एक कोन बना लिया, उसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है और उसको इस टाइप से हम आइसक्रीम के ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। कोई स्टिक लेंगे
कोई भी स्टिक आप ले सकते हैं, इस टाइप से उसको डिज़ाइन से कवर करेंगे। ये देखिए हमने डिज़ाइन इस पर ये रेडी कर लिया। आप कोई भी डिज़ाइन अपनी पसंद का बना सकते हैं। देखा, बिल्कुल मार्केट की तरह लग रही है ना। अब हम इसको ओवरनाइट जमने के लिए रख देंगे। इसको हम कवर कर लेंगे पहले। ये हम इसको कवर करेंगे और ओवरनाइट जमने के लिए रखेंगे। आप इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक ज़रूर देना। ये हमारी जम चुकी है, कितनी अच्छी जमकर रेडी हुई है, तो फीडबैक ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज, ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनके रेडी हो चुकी है। ये कितनी परफेक्ट जमी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।